दोस्तों अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 बाय डिवीजन मेथड कैसे निकाले, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। डिवीजन मेथड में आपको केवल दोस्तों 3 स्टेप करने, और इसके साथ आप ये भी समझ लो, ये आपका देखिए 1, 2, 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें यह भी आप साथ में समझते चलें। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखें 1, 2, 1 अंदर हमारा कितना आ गया 1। देखिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो आपका वैल्यू आ रहा है, यह वाला वैल्यू क्या रहना चाहिए, इसके बराबर या इससे कम रहना चाहिए। देखिए हमने 1 × 1 लिया, कितना आ गया 1, जो इसके क्या है बराबर, तो हमने 1 को लॉक कर दिया। ये आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, इसको हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ लिख देना, एक बार यहाँ लिखना है। तीसरा स्टेप, इनको ऐड किया जाता है, इसको माइनस किया जाता है, 1 − 1 0 आ गया। जो अगला ग्रुप है इसको यहाँ ले आते हैं। अब ये जो 2 है इसके साथ 2 लिया, 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 44। यानी करना क्या है, जैसे यहाँ पे हमने संख्या लिया उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक वैसे ही ये जो 2 है उसके साथ संख्या लेना और उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना आ गया हमारा 2, उसके बाद माइनस किया 0 आ गया, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका 1/4 का वैल्यू कितना निकल गया 1, 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है।